और खंडवा को देश भर में किशोर कुमार और दादाजी धाम की वजह से जाना जाता है। खास तौर पर दादाजी धाम की रसोई पूरे प्रदेश में मशहूर है। ये रसोई 24 घंटे खुली रहती है। कहते हैं कि यहाँ का चूल्हा पिछले 70 सालों से जल रहा है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खंडवा को तीन दादाओं के नाम से जाना जाता है। साहित्य जगत के दादा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, हिंदी सिनेमा के हरफनमौला कलाकार दादा किशोर कुमार और अवधूत संत केशव आनंद महाराज, जिन्हें बड़े दादाजी कहा जाता है। साल 1930 में बड़े दादाजी ने समाधि ले ली थी। दादाजी के भक्त दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। उनके शिष्य हरिहर आनंद महाराज, छोटे दादाजी की समाधि भी यही है। जब दादाजी महाराज खंडवा आए समाधि, उसका छोटे दादाजी महाराज ने पूरे आश्रम का संचालन किया। और दादाजी महाराज का छोटा भंडार और बड़ा भंडार, ऐसे दो भंडार है। और छोटे भंडार में ज्यादा टाइम नैवेद्य लगता है और वो चूल्हा हमेशा प्रज्वलित रहता है और उसी चूल्हे पर ये टिक्कड़ बनते हैं नैवेद्य में और प्रसादी बटती है। टिक्कड़ बड़े दादाजी का प्रिय भोजन था। वो कहते थे, जो खाएगा टिक्कड़ वो रहेगा फक्कड़। जब दादाजी ने समाधि ली थी, तब छोटे दादाजी उनके लिए टिक्कड़ बनाकर समाधि पर ले जाते थे। जब 1942 में छोटे दादाजी ने समाधि ली, उसके बाद से दफ्फाजी पटेल सेवा समिति लगातार टिक्कड़ बनाकर दादाजी को चढ़ाते हैं। वहीं प्रसाद के रूप में भक्तों को भी टिक्कड़ बांटा जाता है। दादाजी महाराज के प्रसाद के रूप में चटनी टिक्कड़ का भोग लगता है, भंडारा बनता है और श्रद्धालुओं को चटनी टिक्कड़ का प्रसाद पटेल सेवा समिति के द्वारा लगातार निरंतर कई वर्षों से, 50 से अधिक वर्षों से दिया जा रहा है। यहाँ दर्शन के लिए आए भक्त 24 घंटे जलते इसी चूल्हे से बनने वाले टिक्कड़ खाते हैं। भक्त प्रसाद में इसे पाकर बहुत खुश होते हैं। इतना ही नहीं, घर पर उनके रिश्तेदार भी टिक्कड़ प्रसाद का इंतजार करते हैं। 50 साल से हम लोग पटेल भंडार से जुड़े, यहाँ पे दादा परिवार में हम लोग जब खंडवा आते हैं, खंडवा में हमारे लिए टिक्कड़ या अमृत के समान होता है। और यहाँ आने के बाद जब हम लोग प्रसादी लेके घर जाते हैं, वापस जाते हैं हम लोग खंडवा से, अब टिक्कड़ प्रसादी जब लेके जाते तो उस प्रसादी का एक महत्व अलग है। जब हम लोग गाँव जाते तो बाकी लोग हमारी राह देखते रहते कि ये प्रसादी कब लाएगा। और पूरे दिन भर हलवा पूड़ी और सब्जी, 22-23 बोरी की पूड़ी, 3 क्विंटल का हलवा बनेगा, जो रात को आरती के पश्चात और दादाजी की सेवा के पश्चात गुरु पूर्णिमा के दिन मशाल जुलूस के बाद 12 बजे यहाँ से खड़े खड़े हम पंगत करेंगे, जो हलवा पूड़ी और सब्जी बांटेंगे। इस बार गुरु पूर्णिमा पर आने वाले लाखों भक्तों के लिए 20 क्विंटल टिक्कड़ बनाए गए हैं। बरसों बीत गए लेकिन इस रसोई और यहाँ के चूल्हे पर बने टिक्कड़ भक्तों के लिए दादा के आशीर्वाद जैसा बन गया है। शेख रेहान, बंसल न्यूज़, खंडवा।